सबसे पहले ये कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही आएगा जर्मनी में पढ़ने के लिए। कितने एक्सपेंसेस थे, क्या आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनाने में मुश्किल आई थी तो वो सॉल्व कैसे की थी? हार्ड वर्क रिक्वायर है और आपकी डेडिकेशन मांगती है। तो आपके जहन में क्या आया, स्पेशली फुल टाइम जॉब करते हुए, कि क्यों मैंने ना जर्मनी का बस सेट करना है? रिस्ट्रिक्शंस ना होने के बावजूद जर्मनी को टारगेट करने का क्या सीन था? US को ही टारगेट किया जाए, आप अपने कोर्स या फील्ड के लिहाज से भी देख सकते हो कि उसकी डिमांड कहाँ पे है या शौक कहाँ पे है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। मेरे साथ बड़े मेरे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, फुलडा में हैं इस वक्त हम। टॉपिक जो बड़ा इन डिस्कशन रहता है फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। सबसे पहली ये कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही आएगा जर्मनी में पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो आप तो भूल जाओ, आप जर्मनी या यूरोप वाली साइड को देखो भी ना। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं ये बात शो करूँगा क्योंकि क्यों ये वाली मैं मिथ कह रहा हूँ, रियलिटी नहीं कह रहा। डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के लोग बैठे हुए हैं, अपना भी इसमें मैंने आज तक शेयर नहीं किया किसी भी व्लॉग में, बट आई थिंक मैं इस वाली वीडियो में वो शेयर करूँगा कि किस तरह मैं जर्मनी का ब्लॉक्ड अकाउंट पूरा करके यहाँ पे आया था। हमें कह लें लोअर मिडिल कह लें और हाई कह लें फॉर इंस्टेंस, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, कितने एक्सपेंसेस थे, क्या आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनाने में मुश्किल आई थी तो वो सॉल्व कैसे की थी? एक्सपेंसेस तो हैं, काफ़ी हैं। अगर आप सिर्फ सोचते हो MS करना है तो सिर्फ एक तो ब्लॉक अमाउंट एक अलग है, इसके अलावा स्टार्टिंग के आपके थोड़े बहुत यूनिवर्सिटीज़ में हमें अप्लाई करना होता है, वो फीसेज हैं। फिर वीज़ा की फ़ीस हमारे पास अलग है। फिर आपको यहाँ आने के लिए ब्लॉक अमाउंट फ़ौरन नहीं ओपन होती, आपको वो स्टार्टिंग का एक आध महीने का एक्सपेंस चाहिए। कुल मिला के एक्सपेंसेस तो आपके पास अच्छे खासे हैं ना। तो मैं जैसे बता रहा था कि मैं बिल्कुल भी कोई एक उस तरह की फैमिली से बिलोंग नहीं करता जिनके पास एक अच्छा बजट पड़ा हुआ और बोले बेटा जाओ लो और चले जाओ ना। मैं ये बता रहा था पिछले 2 साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी ब्लॉक अमाउंट में जो है वो कुछ भी नहीं थी ऐसी ना कि मैं कर पाऊँ। बस एक सामने एक टारगेट था, एक गोल था और बस एक नियत थी कि यार नहीं ये चीज़ एक अचीव करनी है। मैं क्योंकि चल मैं तो IT की फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मेरी एक फुल टाइम जॉब थी 8 आवर्स की, मेरी वो चल रही थी। प्लस मैंने क्योंकि जब मुझे पिछले पता था कि मुझे 2 साल में ये एक अमाउंट जमा करनी है, मैंने एक पार्ट टाइम जो कि नाइट शिफ्ट की जॉब थी हमारी IT फील्ड से रिलेटेड थी 6 से 2, मैंने वो अलग सेपरेट की। देन मेरी एक और एक फ्रीलेंसिंग मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पकड़े। कुल मिला के ऑलमोस्ट मैं लास्ट कह सकते हैं आप 2 ईयर से मैंने 16 आवर्स काम किया है डेली बेसिस पे। छुट्टी भी नहीं लेते थे क्यों कैंसिल? अगर फ्रीलांस वर्क हमारा ऐसा है कि हम छुट्टी मतलब हो जाती है लेकिन हम वीकेंड पे भी हम टाइम मिलता है तो हमने जितना आप कर सको वो उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी सेविंग्स है। ये है कि काफ़ी थोड़ा सा लास्ट 2 ईयर्स काफ़ी हार्ड वर्क किया, बट वही वाली बात है कि सामने एक गोल था, एक टारगेट था, तो हम अपनी तरफ से मेहनत करते गए और अल्लाह ने फिर वो चीज़ें जो है ना थोड़ी आसानी करते गया, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। तो बस यही है कि अपनी मेहनत से इस तरह से करके वो ब्लॉक अमाउंट, अगर आप एक टारगेट गोल सेट कर लो ना तो मैं ये नहीं कह सकता कि अनअचीवेबल वाली, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अचीव कर सकते, इट्स अचीवेबल, हार्ड वर्क रिक्वायर है और आपकी डेडिकेशन मांगती है। बाहर पढ़ना ही क्यों आपका गोल था? काफ़ी लोग वो भी कह सकते हैं यार वहाँ जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा रहे थे तो कमाते रहते, यहाँ आने की जरूरत क्या आती, तो क्या टारगेट सेट कैसे किया? मतलब उस लेवल पे जब आप स्पेशली पाकिस्तान में होते हो ना, आपके पास इतना एक्सपोजर होता नहीं है चीज़ों का, तो आपके जहन में क्या आया स्पेशली फुल टाइम जॉब करते हुए कि क्यों मैंने ना जर्मनी का बस सेट करना है? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेट हो गया था पाकिस्तान में कि मैं अच्छी अर्निंग अप कर रहा था और मैं चाहता तो मैं सिर्फ वहीं पर रह के भी सेट हो सकता था। वही वाली बात है कि अगर आपके लिए हर चीज़ सिर्फ पैसा है ना तो एक अलग गोल है, एक आपका एक पर्सपेक्टिव वो एक अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे से हट के भी एक कुछ अपना एक लाइफ स्टाइल देखते हो, कल्चर देखते हो, वर्ल्ड आप चाहते हो कि मैं एक्सपोजर करूं, तो फिर वो एक सेपरेट चीज़ है। तो हम मेरे लिए एक जर्मनी और पाकिस्तान में एक यही एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चले शायद इतनी ना सही बट इसकी एक इतनी उसकी हाफ भी इतनी मैं पाकिस्तान में भी कर सकता था, बट मुझे यहाँ का एक वो कल्चर, एक एनवायरनमेंट, एक यहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट में इनके साथ काम करके कि दुनिया में काम किस तरीके से हो रहा है, मुझे वो एक ऑप्शन वो पाकिस्तान में रहते हुए नहीं मिल सकता था। और सेकेंडली ये कि रिमोट ऑप्शन मेरे पास ऑब्वियसली थे पाकिस्तान में भी, बट वही वाली बात है कि आपको रिमोट में और एक ऑन साइट काम करने में काफ़ी डिफरेंट है। और जर्मनी से स्पेशली क्यों, तो वो जिस तरह से हमने अपने इसमें डिस्कस किया था कि यार एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के जो है वो जर्मनी काफ़ी जो है वो चीपेस्ट है और ओपन है। ठीक है, अब आपसे डिस्कस करूँगा थोड़ा जुबान भाई का। अगर आपको तारुफ नहीं है तो पहले चाइना में जाके लैंग्वेज भी 1.5 साल पढ़ा है उन्होंने और चाइनीज़ सीख ली है, ये नहीं है कि बहुत बेसिक लेवल सीखे, अच्छी एडवांस लेवल की आती है जुबान भाई को। एक तो लोग चाइना से मूव नहीं करते स्पेशली लैंग्वेज आने के बाद, थोड़ा मुश्किल होता है कि यार इतना मैंने 1.5 साल लगाए एक मुल्क में लैंग्वेज सीखी,
उसके बाद मान लेते हैं कि अगर फैक्टर नहीं था, फाइनेंशियल फैक्टर फॉर इंस्टेंस नहीं था, आपके पास क्या था कि यार चाइना की लैंग्वेज सीखने के बाद भी फिर आपने जर्मनी की तरफ मूव किया? और फाइनेंशियल फैक्टर्स अगर मैं कहूँ भी, अगर आपके पास नहीं था तो आप यूएस भी टारगेट कर सकते थे, फाइनेंशियल गोल्स अगर मसले नहीं थे. यूके एक बड़ी बिग मार्केट स्टूडेंट्स के लिहाज से मानी जाती है, कैनेडा है, तो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन ना होने के बावजूद जर्मनी को टारगेट करने का क्या सीन था? असल में जिस तरह मैंने बताया ना, बैचलर्स मेरी पाकिस्तान से हो गई थी, सही है. चाइना जाने का बताया मैंने, डेडलाइंस निकल गई थी मेरी. ये आप नहीं कह सकते कि आपने अगर चाइनीज सीख ली फिर आप उसी से रिलेटेड या आप स्टडीज़ कर लो या जॉब ढूंढ लो, सही है. यू कैन नॉट डिनाई दैट थिंग दैट चाइनीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक यू नो डिमांडिंग लैंग्वेज. लाइक चाइना जिस तरह ग्रो कर रहा है, सही है, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड जिस तरह ग्रो कर रहा है, आपके जितने बिजनेसेस और जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैक्सिमम आपके चाइना से आ रहे हैं, सही है. तो वो उसमें आपका फुल हो सकता है, सही है. इंटरनेशनल लैंग्वेज है. सीन इस तरह बना जर्मनी का, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई किया था. स्वीडन से मेरी एडमिशन हो गई थी, चाइना से फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल गई थी, जर्मनी में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन उस टाइम पे जर्मनी वीज़ा इशू था, तो वो तो फिर एम्बेसी की तरफ से वो प्रायोरिटी मिली और एक महीना में वीज़ा हो गया. इस तरह कहूँगा कि मेरी एज सच कोई वो नहीं थी कि यार मैंने बस जर्मनी ही जाना है, नहीं, मैंने अप्लाई किए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई किए थे, तो आखिर में बस जर्मनी का हो गया. और दूसरी जो ये डिग्री है तो मुझे कुछ नया सीखना था, लाइक यू नो आई ऑलरेडी डिड एग्रीकल्चर, सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू, यू नो गो टूवर्ड्स समथिंग रियली न्यू. और जिस तरह मैंने बताया सारे मॉड्यूल्स डिफरेंट थे मार्केटिंग बिजनेस के जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो वो मुझे मज़ा आता है नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में, तो वो एक मेन फैक्टर वही है. अब मेरी फैमिली का ये है कि एजुकेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, सही है. वन ऑफ माई ब्रदर लाइक ही डिड PhD और अभी वो टीचिंग एकेडमिक फील्ड में है, मतलब दूसरा भाई भी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो एजुकेशन को बड़ी बड़ा प्रमोट किया जाता है हमारी फैमिली, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. मतलब मेरे फादर से हमेशा मुझे यही सुनने को मिला है एजुकेशन पे फोकस करो, सही है. तो जरूरी नहीं है कि अगर पैसे हों US को ही टारगेट किया जाए, आप अपनी कोर्स या फील्ड के लिहाज से भी देख सकते हो कि उसकी डिमांड कहाँ पे है या शौक कहाँ पे है. आपका क्या सीन था? मेरा सीन ये था कि जैसा वहाज ने बताया कि ब्लॉग अकाउंट जमा करने के लिए जो थी दो जॉब करनी पड़ी, तो सिमिलरली यस मैंने भी दो जॉब की थी, हार्ड वर्किंग की है, मतलब ब्लॉग अकाउंट के लिए यहाँ पे आने के लिए, और मैंने भी काफ़ी हार्ड वर्किंग किया और फैमिली ने भी सपोर्ट किया है, तो थोड़ा हो गया उस, मतलब आए यहाँ पे, करें कोशिश, करें नियत साफ रखें, हार्ड वर्क करें और नसीब आपको मिलेगा. चले हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करना पड़ेगा, मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊँगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बट इंशाल्लाह आपको एक ना एक वीडियो में मेरी तो सुनते रहेंगे आप लोग. बट इन लबे लुबाब इस पूरी वीडियो का ये था कि अगर पैसे नहीं है तो जमा करो, ये बहाना है कि पैसे नहीं है मैं आ नहीं सकता, हाँ एक्सक्यूज़ है. अगर आपका एम मोटिव सारा कुछ सेट है तो उसके लिए मेहनत भी करो, फिर तो बहाने करना छोड़ भी सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं. और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, अल्लाह हाफिज़. पॉडकास्ट में मिलते हैं.